मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया। इस धरती के नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी।
प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो। वो इतने बड़े थे। मार्गदर्शन कर रहा था। Thank you.
forces. अभी उसे मारो। Yeah.
मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था,